ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास हनुमान जी के कोई वीर कोई दूत आपको प्राप्त हो जाए और आप त्रिकालदर्शी दरबार आप लगा सके, तो इसके लिए श्री हनुमान जी की एक साधना आपको करनी होगी। एक बड़ी ही पावरफुल साधना है। साधना तो बहुत ही छोटी है लेकिन इसके असर बहुत बड़े हैं। आप श्री हनुमान जी के दूत इस साधना के द्वारा आप अवश्य प्राप्त कर पाओगे। देखो, कुछ मेहनत तो अवश्य करनी पड़ती है, बिना मेहनत करे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब आप मेहनत करोगे तभी आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, अन्यथा आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। तो मेहनत करनी से ही कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस साधना को करने के लिए, हनुमान जी के दूत प्राप्त करने के लिए आपको आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से आप इस साधना को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप इस साधना को किसी भी चार नवरात्रों में, किसी भी नवरात्रि से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। नवरात्रि से मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि नवरात्रि एक शुभ दिन होता है, एक शुभ समय होता है। इस समय में आप किसी तरह की कोई भी साधना की गई हो वह तत्काल अपना असर दिखा दिया। तो आप जब भी साधना करिए नवरात्रों से साधना करनी चाहिए, या कोई शुभ दिन हो, कोई भी शुभ दिन हो, दिवाली, धनतेरस या अन्य कोई दिन शुभ दिन हो, उन ऐसे शुभ दिन में आपको साधना ही प्रारंभ करनी चाहिए। वह साधना 101% सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसे शुभ दिन होते हैं, इन शुभ दिनों में ये पीड़ित नहीं होते, इनमें कोई ग्रह नक्षत्र पीड़ित नहीं होता। इस कारण से ऐसे शुभ समय में साधना प्रारंभ की भी साधना शीघ्र फलदायी हो जाती है। तो आपने नवरात्रि के प्रथम नवरात्रि से आपको साधना प्रारंभ करनी है, या फिर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, कोई से भी मंगलवार से शुक्ल पक्ष के आपको साधना प्रारंभ करनी है। किस तरीके से क्या क्या करनी है आइए जानते हैं। आपको अपने घर पर आपको एक चौकी आपको स्थापित कर लेनी है, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा समय देना है। तो घर पर आपको एक चौकी लगानी है, वो चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र आप बिछा दीजिए। लाल रंग का वस्त्र बिछा कर आपको श्री हनुमान जी की प्रतिमा, आपको श्री हनुमान जी की प्रतिमा, कोई छोटी छोटी प्रतिमा, 9 इंच से बड़ी नहीं, घर में 9 इंच से बड़ी प्रतिमा नहीं लगाते, इसलिए का ध्यान रखना, घर में 9 इंच से बड़ी प्रतिमा नहीं लगाते, 9 इंच से छोटी होनी चाहिए। तो आप कोई प्रतिमा या कोई फोटो या कैलेंडर आदि आप श्री हनुमान जी का आपको लगा लेना है। उनके सामने आपने देसी घी का या चमेली का तेल का दीपक जलाना है। जितनी देर आप पूजा करेंगे उतनी देर दीपक आपका जलता रहना चाहिए, उसके अलावा जले ना जले। और यदि आप पूरे साधना काल में जला सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं जला सकते तो जितनी देर आप पूजा करें उतनी देर आप दीपक जला लीजिए। तो ये तो हो गई घर की बात। अब मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि आपने घर पर इसके साथ साथ आपको मोतीचूर के लड्डू, इमरती, बर्फी इत्यादि, बेसन के लड्डू, गुड़, चना, रोट, पंचमेवा, जो भी आपके पास भोग प्रसाद उपलब्ध हो, प्रतिदिन आपको इस प्रकार अलग अलग बदल बदल कर आपको भोग प्रसाद प्रतिदिन श्री हनुमान जी का आपको भोग लगाना है। किस तरीके से कैसे करना आइए जानते हैं आपको। जिस दिन आपको साधना प्रारंभ करनी है, प्रथम नवरात्रि से या फिर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से मंगलवार से, आपको इस प्रकार एक नारियल ले लेना है। इस नारियल के ऊपर आपने चाहे तो लाल कपड़ा लगा लीजिए या कलावा, ये कलावा जो होता है श्री हनुमान जी के हाथ में, ये जो कलावा होता है, इस कलावे को चाहे तो इस कलावे को बांध लीजिए, कपड़ा हो ना हो कोई बात नहीं। इसके ऊपर कुछ पैसे रखकर आपको बांध कर ये एक अर्जी आपको तैयार कर लेनी है। साथ ही आपको हनुमान जी का सिंदूर, चमेली का तेल, चमेली तेल छोटी शीशी आती है, बहुत सारी रखी हुई है चमेली की देवी शीशिया, और हनुमान जी सिंदूर के पैकेट, हनुमान जी सिंदूर का पैकेट आपको ले लेना है। प्लस आपको भोग प्रसाद कोई भी उस दिन पहले दिन आपको फल अवश्य लेकर जाने, कोई भी फल आपको ले लेने हैं, कोई भी दो फल आप ले लीजिए, ज्यादा ले सकते आपका सामर्थ्य, कम से कम दो फल आपको होने चाहिए। ये सब सामान लेकर श्री हनुमान जी के चरण में अर्जी आपको लगानी है और नारियल वहां पर रख देना है, अर्जी लगानी है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। हे बालाजी कुमार, हे अंजनी कुमार, मैं आपके दूत प्राप्त करने हेतु, आपकी शक्ति, आपका अंश मात्र प्राप्त करने हेतु, जग कल्याण हेतु मैं ये साधना कर रहा हूँ, इस साधना में मुझे सफलता प्राप्त हो। तो ये आपने नारियल की अर्जी लगाकर श्री हनुमान जी के चरणों में आपने रख देनी है। अब आपने श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर अपने घर पर आ जाना है। आपने अपने घर पर एक चौकी आपने स्थापित की, उसके ऊपर लाल वस्त्र आपने बिछाया, श्री हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो इत्यादि आपने लगाए, चमेली का तेल या देसी घी का दीपक आपका पूजा के दौरान जलेगा। ये पूजा, ये जो कार्य है, ये आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह करके आना, ये जो कार्य मैंने आपको बताया, ये ब्रह्म मुहूर्त में आपको सूर्योदय से पहले पहले ही कर आना है, और सूर्योदय से पहले ही आपको अपने घर पर पूजा करनी, जो पूजा बता रहा हूँ ये आपको सूर्योदय से पहले ही अपने घर पर करनी है। इसलिए आप मंदिर खुलते ही 4 बजे पहले अर्जी लगा कर आ जाए, उसके बाद अपने घर पर आकर आप पूजा कर ले। चौकी आप एक दिन पहले ही आप अपने घर पर तैयार करके रख ले, चौकी आप लगा लीजिए एक दिन पहले ही। अब आपने अपने पूजा कक्ष में जहां पर आपने चौकी लगाई वहां पर आपको बैठ जाना है, कोई भोग प्रसाद लेकर, साथ ही आपने एक जल का लोटा लेकर एक दीपक जलाना है, साथ ही धूमबत्ती जलानी है और एक रुद्राक्ष की माला लेकर आपने, लाल रंग के रुद्राक्ष, दो तरह के आते हैं, काले भी होते हैं लाल भी होते हैं, तो आपको लाल कलर के रुद्राक्ष लेकर आपने
पूजा में बैठ जाना है और अपने आसपास गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लेना है। अब आपने वहां पर बैठकर सर्वप्रथम आपने धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना। आसन और धरती माता को इसलिए कहता हूं कि धरती माता के ऊपर बैठकर हम पूजा कर रहे हैं तो उनका आह्वान करना अति आवश्यक होता है, उस जगह पर ऊर्जा का संचार होना अति आवश्यक है, तो धरती माता को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अपने आसन को प्रणाम करना चाहिए जिस आसन के ऊपर बैठकर हम जाप कर रहे हैं। वस्त्र आपके लाल रहेंगे, दिशा आपके पूर्व पश्चिम, आपको दोनों दिशाओं में से आप कोई भी दिशा में बैठकर आप इस साधना को कर सकते हैं। आपने अपने गुरु को प्रणाम करना, जो भी आपके गुरु हैं उनका आपको प्रणाम करना, अपने गणेश भगवान जी को प्रणाम करना, भगवान शिव को प्रणाम करना, उनका ध्यान देंगे और साथ ही आप श्री रामचंद्र जी की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन भव भय दारुणम, नव कुंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, या फिर जय श्री राम का आप थोड़ी देर जाप करेंगे। उसके बाद में श्री हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे। श्री हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार आप वहीं पर बैठकर आप जाप करेंगे। हनुमान चालीसा का 3 बार जाप करेंगे। उसके बाद जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का आपने 131 बार जाप करना है। ध्यान रखना, 131 बार आपको जाप करना है। और आपने जो भोग प्रसाद आपके पास है, जाप करने बाद में श्री हनुमान जी को वह भोग प्रसाद आपने लगा देना है। अब आपने सुबह के समय सूर्योदय से पहले यह क्रिया आपने की, मंदिर आपको पहले दिन ही जाना था, उसके बाद आपको मंदिर आपको जाना है मंगल और शनिवार, बीच में जितने मंगल शनिवार पड़ेंगे सभी में जाना, लेकिन अर्जी आपको नहीं लगानी, केवल जाना है हनुमान जी के दर्शन करने, जो भी भोग प्रसाद है उनको भोग लगाना है और हनुमान जी से इस साधना में सफलता हेतु प्रार्थना करनी है। बस मंगलवार के दिन किसी भी समय जा सकते हैं, बाद में आप, पहले दिन आपको सुबह जाना है, बाद में आप किसी भी समय जा सकते हैं। तो आपने सुबह समय सूर्योदय से पहले यह साधना इस प्रकार की, उसी प्रकार आपने दोपहर के 12 बजे आपको साधना करनी है, ठीक इसी तरीके से आपको शाम को सूर्यास्त के बाद साधना करनी है, ठीक इसी तरीके से रात्रि में 11 बजे के बाद आपको साधना करनी है। कुल मिलाकर 24 घंटे में 4 बार आपको पूजा करनी है, 4 बार भोग लगेगा, 4 बार दीपक जलेगा, अखंड दीपक जलाना तो आपकी इच्छा है, नहीं तो 4 बार दीपक जलेगा, जितनी देर आप पूजा करेंगे आपको 4 बार भोग लगाना है, 4 बार जल के लोटे आपको भरकर रखने हैं। पहली पूजा आपने सुबह की, जब दोपहर की पूजा करें तो आपको वो पहला चढ़ावा जो भोग प्रसाद है लोटा है उसको आपको जल को आपको किसी पेड़ में डाल देना है, भोग प्रसाद को अलग उठाकर रख देना। जब आपका भोग प्रसाद 24 घंटे का इकट्ठा कर ले, या फिर आप पहला भोग जब दूसरा भोग लगाएं तो पहले भोग को आप बच्चों में बांट दें, पूजा करने के बाद आप उसको बच्चों में बांट दें या इकट्ठा करके बांट दें, 2-3 टाइम का इकट्ठा करके बांट दें, आपके ऊपर डिपेंड है। एक दिन में 4 बार पूजा करनी, इस तरीके से आपको पूजा करनी है और ये क्रम आपका 41 दिन चलता रहेगा। 41 दिन आप होते होते ही आपको स्वप्न में एक बड़े वानर के रूप में आपको दर्शन होंगे, बहुत बड़े बंदर के आपको दर्शन होंगे, या फिर एक विशाल का आपको एक पुरुष के आपको दर्शन होंगे, वह आपको आशीर्वाद देगा, या कोई वानर आया है वह आपको आशीर्वाद देगा, या फिर आपके पास आकर आपको कोई चीज, किसी चीज, कोई फल इत्यादि आपको देकर चला गया है स्वप्न में, तो आप इस साधना को सफलता प्राप्त समझ लीजिए। स्वप्न में आपको कुछ ना कुछ लक्षण अवश्य दिखाई देंगे, दिखे तो आप समझ जाना साधना में सफलता आपको मिल चुकी है। कुछ साधकों को क्या हुआ, किस प्रकार लक्षण तो दिखाई दिए लेकिन उनको कोई दूत, उनको कोई नजर नहीं आई, ना ही उनके साथ में ऐसी बाद में कोई घटना घटी, लेकिन 1.5 महीना 2 महीने बाद उनके पास दूत आकर उनसे वार्तालाप करने लगे। ऐसा बहुत सारे साधकों के साथ में होता है, इसलिए होता है कि कुछ साधक क्या होता है कि साधना के दौरान तो नियमों का पालन करते रहते हैं, उसके बाद नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं, तो कई बार दूत क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, जानबूझकर देखते हैं कि साधक साधना करने के बाद भी अपने आप को नियम में रखता है नहीं रखता है या नहीं रखता है। तो आपको इन साधनाओं को करने के बाद भी, आपको इस 41 दिन करने के बाद भी सुबह शाम जब आप पूजा करते हैं तो 21 बार इस मंत्र का जाप आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। हो सकता है 41 दिन के अंदर आपको अनुभव हो और दूत ना प्राप्त हो, दूत आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद प्राप्त हो, तो इसलिए आप 21 बार इस मंत्र का जाप सुबह शाम पूजा में अवश्य करते रहना चाहिए। आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है 16 चक्र की बावड़ी, डाल मोतियन के हार, पदम निचाली निकरी, लंका करे निहार, लंका 100 कोट समुद्र की खाई, चते चौकी हनुमत वीर की दुहाई, कौन कौन वीर चले, मर्दान वीर चले, सवा हाथ जमीन को शोकत करना, जल को शोकत करना, पद को शोकत करना, पवन को शोकत करना, लाख को शोकत करना, चूड़ी को शोकत करना, पालना को, भूत को, पतियत को, अपने वीर को शोकत करना, मेवत उपाय बाकी चंद्र कले नहीं, चलत चलती पवन मदन सूतल करे, माता का दूध हराम करे, शब्द साध। पूरा मंत्र ईश्वर वाचा ये मंत्र है। इस मंत्र को आप जाप करें कंटिन्यू प्रतिदिन, सुबह सूर्योदय से पहले, दोपहर 12 बजे, शाम को सूर्यास्त के बाद और रात्रि 11 बजे। इस प्रकार आपको चारों पैर में आपको पूजा करनी है। लाल वस्त्र पहनकर आप इस पूजा को करेंगे और इन 41 दिनों में आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उसके बाद भी आप अपनी पत्नी के अलावा कहीं भी किसी तरह का कोई भी आप गलत भावना, किसी भी लड़की या बहन बेटी की तरफ गलत भावना नहीं रखेंगे और इस साधना को
पूर्ण रूप से हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस साधना को करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ अनुष्ठान करने पड़ते हैं। कई बार एक बार अनुष्ठान ना करने से सफलता नहीं प्राप्त होती, कई बार कितनी बार अनुष्ठान करने पड़ जाते हैं। कारण कि जीवन में बहुत सारे साधकों के इतने पाप होते हैं कि वो एक बार की साधना में नहीं कर पाते। तो साधना का जो तरीका था, जिस तरीके से भक्तों ने साधना को कर सिद्धियां प्राप्त करी, वो तरीका मैंने आपको बता दिया। बाकी आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है कि आपके कर्म कैसे हैं, कर्मों के आधार पर आपको शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन साधना बिल्कुल सही बताई है, बाकी आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है कि आपको सिद्धि प्राप्त एक बार में हो जाए या फिर कुछ समय बाद हो। तरीका बिल्कुल सही बताया है, बाकी आपकी इच्छा है। सभी भक्तों को जय श्री राम।